Hey, what's up guys? This is me दानिया राजपूत and welcome to my channel दानिया राजपूत वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, वेल होंगे, ठीक होंगे। सो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत पहले से कुछ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। और हाँ, घुटने की थोड़ी सी जोड़ का मसला है, चलने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊँगा और हम शॉप पर जाने लगेंगे और फिर मेरे रेगुलर व्लॉग्स आने लगेंगे। सो खैर, आज है जी इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी पाकिस्तानी। सो भाई साहब, आज मैं उठ गया हूँ थोड़ा सा जल्दी, तकरीबन कोई 9 बजे उठाऊँ और अम्मी जी कह रही हैं कि आज ना पूड़ी वगैरह खाने को दिल कर रहा है। तो अम्मी जी पूड़ियाँ चूड़ियाँ खानी हैं आज? नहीं, आपका क्या दिल कर रहा है? अम्मी कह रही हैं कि जी मेरा पूड़ियाँ वगैरह खाने को दिल कर रहा है, तो जाना पड़ेगा पूड़ियाँ लेने। बिलाल भाई लोगों को पूछ लेते हैं, अगर तो उन्होंने लेके आनी है तो उनके साथ चले जाऊँगा, नहीं तो कुछ करके बाइक तो चलानी पड़ेगी। और काफ़ी दिनों बाद, मतलब काफ़ी दिन नहीं, हफ्ते दो हफ्ते बाद मैं आज बाइक चलाऊँगा और देखते हैं कैसे चलती है। वैसे ही चलेगी क्योंकि घुटने का मसला है, तो घुटना फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। व्लॉग कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। देखते हैं क्या लेके आता हूँ मैं। और भाई जी, आज है जी 14 अगस्त, पाकिस्तान की आज़ादी। तो मैं देखो किस तरह सेलिब्रेट करता हूँ, बट कोई प्लान व्लान तो नहीं है। तो अगर कोई दोस्त वगैरह आ गए तो प्लान हुआ तो उनके साथ चले जाएंगे, वरना घर पे ही जो होगा जैसे होगा वो तो आपको दिखाते रहेंगे। आप ये हिसाब लगा लें, मैं तो कपड़े भी प्रॉपर नहीं पहन रहा, तो मतलब नीचे से छोटा वटा पहना हुआ है और ऊपर से वो भी शर्ट पहनी हुई है, यहाँ से भी बाथ वगैरह फाड़ के, क्योंकि चोट लगी हुई है, तो इस वजह से कपड़ा जब साफ टच होता है ना, बड़ा मसला बनता है। खैर देखते हैं क्या बनता है, अभी तो फिलहाल चलते हैं पूड़ियाँ लेने और करते हैं नाश्ता। कोई भी बाइक तो यहाँ पे खड़ी नहीं है, अब खुद ही शॉप पे हैं और मुझे बाइक अंदर से ही निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं हम बाइक, गंडी भी जाते हैं। बाइक तो मैंने निकाल ली है, बिलाल भाई सो रहे हैं और नाबिया फातिमा आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कह रही मुझे लेके चलो, ये सुबह सुबह ही उठी हुई है आज। और आज हमारा मुन्ना भी इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। नाबिया, इंडिपेंडेंस डे मनाओगी आज? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहुंच चुके हैं भाई साहब पूड़ियां लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। घर पहुंच गए हैं और फाइनली आराम आराम से भाई साहब मैं बाइक चला के गया था और साथ ना भी फातिमा को भी ले गया था, तो ना मतलब बड़ी ना खुशी हो रही कि सब लोग भाई साहब 14 अगस्त मना रहे हैं और मैं ये एक्सीडेंट होने की वजह से, चोटे लगने की वजह से घर पर हूँ। बट क्या देखते हैं, थोड़ा बहुत सीन तो होगा ना, निकलेंगे थोड़ा सा दोस्तों के साथ, बनाते हैं प्लान अगर वो माने तो, वरना अभी नाश्ता करते हैं और देखते हैं क्या करना है। नाश्ता आ गया, पूड़ियाँ चने, तो जल्दी जल्दी इसको ठूस लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। नाश्ता तो कर लिया है, नाश्ते के बाद भाई साहब यहाँ पे आ गई है जी चाय, सो चाय पी लेते हैं अभी। और यहाँ पे लैपटॉप पे कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो तब तक ये भी हो जाएगा और मैं भी तब तक चाय पी लूंगा। नाश्ता भी कर लिया है मैंने और यहाँ पे लैपटॉप का काम भी खत्म कर दिया है मैंने, और चलते हैं बिलाल भाई लोगों की तरफ और देखते हैं बिलाल भाई उठे, अगर उठ गए हैं तो क्या कर रहे हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं। बिलाल भाई यहाँ पे बैठे हैं और ये अपना जी दुकान पे जाने की तैयारी है, पक्की बात है यार। इंडिपेंडेंस डे आप कर रहे हैं कि मनाओ, आप वहाँ पे दुकान पे जा रहे हो यार? नहीं, कस्टमर को आप बोलो ना कि आप भी आज़ादी मनाओ, हम भी आज़ादी मना रहे हैं। तो कहे ना कि आवाम को कभी आज़ादी बनाने दोबारा नया बनाए ना, फिर मानते हैं अभी हम नया पाकिस्तान इमरान खान को जिताए। ओ यार वो एक अलग बात, मेरी बात सुने, एक टाइम के लिए ना आप ये भूल जाएंगे आप पाकिस्तान बनाए, हम आवाम के भी साथ है और मुल्क के साथ। नहीं नहीं, एक टाइम के लिए आप ये भूल जाएं कि आप या नून लीग के साथ हैं या पीटीआई के साथ, एक मतलब आप ये सोचे कि हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, ऐसा सोच के आप इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। हम वैसे भी मना रहे हैं, हमें खुशी है कि भी हम 75 साल का हमारा मुल्क हो चुका है
और 75वें साल में कंप्लीट हो ही गया। रात 12 बजे का आपको देखने भी 10-12 घंटे ऊपर भी हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिलाल भाई का तो मैं भाई मना रहा हूँ कि आप रहने तो दुकान पे जाने के लिए। मदम्मल भाई का पता नहीं लगा, वो तो सुबह सुबह निकल गए। और बिलाल भाई को मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं जाना, हमने ना कहीं ना आउटिंग पे चलेंगे, तो बिलाल भाई नहीं मान रहे। तो मनाते हैं, देखो मानते हैं कि नहीं। बिलाल भाई लोगों की तरफ ही बैठा था और हमारा प्लान बना है भाई साहब, देखो या लाहौर जाते हैं या फैसलाबाद जाते हैं। तो बिलाल भाई बताएंगे, बिलाल भाई तो उठ ही नहीं रहे हैं, सुस्ती इतनी डाली हुई है इन्होंने तो ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इनको कही जा रहा हूँ, ये शर्ट भी मैंने ला के दी हुई है इनको यहाँ पे, मैंने कहा पहनो, पहन ही नहीं रहे हैं। चलो यार उठो, वैसे बताएं जाना कहाँ पे है, लाहौर या फैसलाबाद? देखते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं तो प्लानिंग कहाँ की बनती है, फैसलाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं। वैसे मज़ा कहाँ आएगा ज़्यादा? अगर ठीक हुआ तो लाहौर की प्लानिंग हो सकती है, जाना तो कार में ही है। हुआ तो कार, जाना तो कार पे ही है, मगर वहाँ जाकर भी कोई सैर सपाटे करनी है। इतनी दूर जाना है, मौसम ठीक हुआ तो फिर लाहौर की प्लानिंग है, अगर नहीं ठीक हुआ तो फैसलाबाद जाएंगे। फैसलाबाद लास्ट में आखिरी शो सैनमे में देखेंगे, फिल्म भी देखेंगे। हाँ ये तो है, अगर फैसलाबाद गया तो फिल्म वगैरह कोई देखेंगे, और लाहौर में भी वैसे घर सैनमे वगैरह है तो वहाँ पर भी अगर प्लान हुआ तो। अभी फ़िलहाल बिलाल भैया अब यहाँ से उठो, जल्दी करो, गांव में खड़ी है गाड़ी, तो अभी गाड़ी भी वहाँ से लेके आनी है, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर भी लगेगा, सब कज़न वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, फिर निकलते हैं यार जल्दी करो। बिलाल भाई ने शर्ट वगैरह तो पहन ली और अभी हम जाने लगे हैं गाँव। गांव पहुंच गए हैं और उठाते हैं गाड़ी और निकलते हैं भाई साहब जल्दी जल्दी यहां से, और फिर तैयार श्यार होना भी है जाके और फिर निकलना भी है अपने सफ़र पे। अभी फ़िलहाल घर की तरफ जा रहे हैं, जो नया बन रहा है भाई फाजलों का, वहां पे बैठे भाई फाजल, उनसे चाबी पकड़ते हैं निकलते हैं। गाड़ी लेके हम घर तो पहुंच गए हैं और जल्दी जल्दी हो लेते हैं भाई साहब रेडी और फिर निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी, अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। सो भाई साहब रेडी हो गए हैं और चलते हैं भाई बिलाल भाई लोगों की तरफ। आप पैसे वगैरह पड़े हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत पड़नी, जाहिर सी बात है। अम्मी जल्दी जल्दी दे दो, तो अम्मी से पैसे ले लेता हूँ। यार मेरी ना एक आदत है, मैं ना पैसे वगैरह अम्मी अब्बू से ही लेता हूँ, मेरे भी होना तो मैं जमा भी करवा देता हूँ उन्हीं के पास और उन्हीं से लेता रहता हूँ थोड़े थोड़े करके। सो वो अम्मी अभी दे रही हैं, उसके बाद निकलते हैं भाई डायरेक्ट। अभी देखते हैं कहाँ जाना है, लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, जहाँ भी जाएंगे आपको बता देंगे, आप भी इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करेंगे। राणा दनान खोत, ओ खोखर साहब आ चुके हैं। तो राणा साहब क्या हाल चाल करो? अभी अभी हम निकल आए हैं घर से और राणा जमील साहब साथ हैं। अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया और हम गाड़ी में बैठने लगे हैं कि हमने जाना कहाँ। वैसे जमील भैया आप क्या कहते हैं, कहाँ जाएं? मेरा तो दिल लाहौर का कर रहा है, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है जी, लाहौर लाहौर है। और वहाँ पे बिलाल भाई गाड़ी में बैठने लगे हैं, अदनान भाई भी है, मदम्मल भाई भी आ रहे हैं पीछे से, और मदम्मल भाई हम करेंगे हमारी फोटोग्राफी क्योंकि वो कैमरा लेके आ रहे हैं, फोटोग्राफी होगी। चलो यार चलो। फैसलाबाद पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा प्लान है कि ना हम पहले कोई मूवी शूवी का पता कर लें, अगर तो लगी अभी देख लेंगे, वरना टिकट्स वगैरह ले लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। इस वक्त हम हैं जी कोहिनूर सिटी और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं करीबी मक्कू वाले, तो उनको भी मैं बोलूँगा वो आ जाइएगा भाई साहब, लाजमी विज़िट कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अंदर सिनेमे की तरफ और यहाँ पे आई थिंक ये दो लगी हुई हैं फिल्म, कायदे आज़म, जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊँगा। राणा दनान साहब आपकी क्या तासुरात हैं, ये आप पहुँच गए फैसलाबाद, लाहौर कहते कहते फैसलाबाद पहुँच गए? लाहौर लाहौर है, रॉन्ग वे हो गए थे, बट यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं लिफ्ट के पास और लिफ्ट में बैठते हैं और भाई चलते हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे। वो साइड पे है, वैसे हम अकेले यहाँ पर घूम रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना यहाँ पे ना
कोई और देखने नहीं आया, हम ही देखने आए हैं। अभी फोकट हो गया, यहाँ का सिनेमा बिल्कुल बंद है। निकालने लगे हैं मैकडोनल्ड की लोकेशन, मुदम्मिल भाई निकाल रहे हैं, जल्दी करें मुदम्मिल भाई, भूख काफी ज्यादा लगी है, मैकडोनल्ड की लोकेशन निकाल लें। गाड़ी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं मैकडोनल्ड पे, और भाई बिलाल चला रहे हैं गाड़ी, भूख काफी ज्यादा लगी हुई है। यहाँ पे ये भाई ले रहे हैं ऑर्डर, पाँच। यहाँ पे हम देंगे भाई साहब इनको बिल, कहाँ से अब ऑर्डर लेंगे हम। और ये आ गया ऑर्डर हमारा, स्वीट बच्ची वो आगे वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर और अपनी जो डील है हमने ली वो लेंगे। हमारा ऑर्डर आ गया है भाई साहब, अंदर तो खैर काफ़ी ज़्यादा रश है लेकिन हम यहीं पे खा लेते हैं। आ गया जी बर्गर ले लिया पहले, फ्राइज बाद में खाएंगे पहले। अभी चलते हैं अंदर और आइसक्रीम भी खानी है भाई साहब यहाँ से, तो देखते हैं बाकी रश वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। आइसक्रीम के लिए ऑर्डर कहाँ पे देना पड़ेगा हमें, वो ढूंढ रहे हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर आ गया हमारी आइसक्रीम का, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। फारिग हो गए हैं और हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है लायलपुर गैलरिया, अभी वहाँ पे चलेंगे हम। चलो जी, तो फाइनली अभी हम लायलपुर गैलरिया की पार्किंग में इस वक्त पहुँच गए हैं और अभी हम निकलने लगे हैं भाई जी यहाँ से, और यहाँ से अभी हम जाएंगे अंदर और फिर हम करेंगे इंजॉय। हमारी एंट्री हुई है भाई जी फूड स्कॉट पे, जाली मतलब भाई जाली खाएंगे, खा रहे हैं जमील भाई जाली खाएंगे, खा लें थोड़ी सी बिलाल भाई आप खा लें। यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, काफ़ी नाम हो गए थे। क्या प्राइस है? 16 भाई, इन्नी दी नवी आ जाती यार। मैं सोच रहा था कोई एक ट्राउज़र ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो ट्राउज़र की कीमत है ओ भाई इतने में वाकई में न्यू आ जाता है, 4,490। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ओ भाई मैं नहीं ले रहा, रखो अपने पास। बहुत कमाल का व्यू आ रहा है यहाँ पे नीचे से भी और भाई साहब ऊपर से भी, ये क्या हो रहा है नीचे, ये बच्चा यहाँ पे आई थिंक डांस करने के लिए आया है, जो भी हो रहा है खैर हमें इससे कोई लिंक नहीं, हम चलते हैं आगे। आ जाओ भाई आ जाओ, बिलाल भाई लोग चले गए, आ जाओ चल गए, आ जाओ बोरे जमील भाई अपनी वाइफ के लिए कुछ लेना होगा। जी नहीं अभी नहीं लेना, ले ले अभी वाइफ तो होने दो पहले। अच्छा वाइफ ये ठीक है वैसे, ये ठीक है वैसे जमील। यस एक चीज मैं आपको दिखाऊं। जी हां मेरे साइज की हो, दिस इज फॉर योर वाओ वेरी डेंजरस जमील भाई डोंट माइंड। ओके मैं समझ गया हूँ, अभी इससे भी ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कोई एक चीज़ पसंद आती है तो। ओ सामने बच्चों की गेमें हैं तो हम भी देखते हैं, अगर हमारे लायक कोई गेम हुई तो हम वो भी खेलेंगे।
अभी हम जाने लगे हैं नीचे, आई थिंक इस साइड से जाना है। पार्किंग में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि सारी सी बात है गाड़ियाँ खड़ी हैं और गर्मी तो ऑटोमेटिक होगी तो। बट अभी खैर निकलते हैं, आई थिंक अभी घर ही जाएंगे, तो अगर कहीं और गए तो वो भी आपको दिखाएंगे, अगर घर गए तो रास्ते में आपको दिखाएंगे, जो भी हमने किया वो दिखाएंगे लाजमी। सो व्लॉग आप देखते रहिए, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है बट कोई बात नहीं, आपने इंजॉय करना है, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। गेम ने तो भाई साहब मुझे बहुत इंजॉय करवाया, बड़ी मज़े की गेम थी यार, देखा आपने, आपको तो बाहर ऐसे लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया लेकिन यार गेम में बहुत मज़ा आया। जमील भाई वैसे वीडियो बनाई है अभी ज़्यादा थक चुके हैं और वापसी है घर की तरफ, और फिलहाल भाई यहाँ पे कार ड्राइव कर रहे हैं और बस अभी पहुँचेंगे घर, तो डायरेक्ट आपसे पहुँच के मिलेंगे घर, और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, घर से अभी चलते हैं घर। Approximately 10 hours later. घर पहुंचे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, टाइम इस वक्त क्या हो रहा है जी, 1 बजने वाला है, और यार बहुत इंजॉय किया हमने 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे। बेसिकली आपको भी पता है कि ये दिन हम पूरे जोर शोर के साथ मनाते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। आज हो गए हैं हमारे मुल्क को भाई साहब बने हुए कोई 75 ईयर्स कम्प्लीट। बेसिकली हमारे लिए हर डे इंडिपेंडेंस है, क्योंकि हम अपने मुल्क में आज़ाद घूम रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो यहाँ पर हिंदू हैं वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो हम मुसलमान हैं यहाँ पर वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं कि नंगू पुंगू हो गया है, और भाई साहब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड स्टे होम एंड सेफ योर लाइफ, बने रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको, कमेंट लाजमी ठोको जो आप बिल्कुल नहीं करते। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, हाजिर हो सिलेंट दिल चाहो, अल्लाह हाफ़।